क्लास 12 का चैप्टर है हमारा तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम पढ़ेंगे फ्रॉम बॉक्साइट ओर से। एलुमिनियम का महत्वपूर्ण ओर्स को लिखिए। कैसे एलुमिनियम को निकालेंगे बॉक्साइट ओर से। एलुमिनियम का ओर्स, बॉक्साइट ओर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3 टू मोल ऑफ वाटर, इसको पढ़ते हैं एलुमिना डाईहाइड्रेट। कोरंडम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3, इसको पढ़ते हैं एलुमिना चाहे एलुमिनियम ट्राई ऑक्साइड। क्रायोलाइट ओर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na3LF6, इसको पढ़ते सोडियम एलुमिनियम हेक्सा फ्लोराइड। तो एलुमिनियम को मुख्यतः बाहर निकालते हैं बॉक्साइट ओर से निम्नलिखित चरणों की मदद से। कंसंट्रेशन मतलब शुद्ध करना। बॉक्साइट बेयर्स प्रोसेस के द्वारा बॉक्साइट ओर को बदल दिया जाता है एलुमिना में, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3। तो जब एलुमिना डाइहाइड्रेट प्रतिक्रिया करता है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो 2 मोल वाटर यहाँ और 1 मोल वाटर यहाँ, 3 मोल वाटर हो गया तो बाहर निकल गया 3 मोल ऑफ वाटर और बच गया हमारा 2 मोल ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट जो लिक्विड अवस्था में होता है। जब सोडियम एल्यूमिनेट 2 मोल ऑफ वाटर के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये मेटल, ये ऑक्सीजन है तो ये हमारा क्या, मेटल का ऑक्साइड। जब मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये भी हमारा मेटल का ऑक्साइड है। जब मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया जिसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से यह बर्तन में नीचे बैठ जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से यह बर्तन में छपिल जाता है। जब 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्युमिना का फॉर्मेशन होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ वाटर। जब कभी मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मेटल एल्युमिनियम है तो इसका मेटल ऑक्साइड हो गया एल्युमिना और बाय प्रोडक्ट हो गया 3 मोल ऑफ वाटर। रिडक्शन का मतलब तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो जब एल्युमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है तो 2 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहला हमारा क्या है कि एल्युमिना के पास ज़्यादा गलनांक बिंदु है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एलुमिना टूटता है। गला हुआ अवस्था में एलुमिना के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। कंडक्टिविटी मतलब करंट डट के द्वारा पास होने का एबिलिटी, क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। ऊपर में जो मुश्किलें हैं उसको हटाने के लिए क्रायोलाइट को जोड़ा जाता है एलुमिना में, तो परिणाम स्वरूप एलुमिना का मिश्रण गल जाता है 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी मतलब करंट डट के द्वारा पास होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। एलुमिना के मिश्रण को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निम्नलिखित रूप से टूटता है, होल हीरोल्ट प्रोसेस। तो ये हमारा क्या ग्रेफाइट का रोड है जिसको प्यार से क्या बोलते हैं एनोड का रोड। तो एनोड के रोड पर मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा गया तो इसका नाम क्या नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं कैथोड का रोड। तो एनोड के रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के रोड पर हमेशा रिडक्शन की प्रक्रिया होता है। और ये जो हमारा है दोस्तों वो हमारा क्या ग्रेफाइट का रोड। एनोड के रोड को वायर की मदद से जोड़ा गया, कैथोड के रोड को भी वायर की मदद से जोड़ा गया। जोड़ने वाला कौन है बैटरी।
और यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो हमारे क्या इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रीकरण देने पर जो टूट जाता है आयंस के रूप में उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट, फ्लूओर स्पार है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में फ्लूओर स्पार है। तो एल्यूमिना को देखते हैं, एल्यूमिना का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया Al2O3। एल्यूमिना टूट जाता है हीट करने पर, 2 mol of Al3 + 3 mol of O2 2- में, यहाँ पर टूट गया Al3+ और O2 2- में। तो ग्रेफाइट रोड पर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो O2 2- यहाँ पर जमा हो जाता है। एल्युमिनियम की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड रोड पर जाकर जमा हो जाता है। तो रिएक्शन होता है कैथोड और एनोड रोड पर। कैथोड रोड पर क्या होता है हमेशा रिडक्शन। ट्रिक क्या है, कार CA का मतलब हो गया कैथोड का रोड, और कैथोड का रोड पर हमेशा क्या होता है रिडक्शन। सेकेंड ट्रिक है हमारा जर, तो जी से हो गया गेन और ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं रिडक्शन। जब एल्युमिनियम 3+3 mol ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्युमिनियम का फॉर्मेशन करता है। एनोड रोड पर ट्रिक क्या है, आओ, तो ए से हो गया एनोड रोड, और एनोड रोड पर हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। सेकेंड ट्रिक है हमारा लियो, तो एल से हो गया लॉस, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब 2 mol of O2 2- 4 mol of इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में O2 का फॉर्मेशन करता है। तो एल्युमिनियम मेटल को प्राप्त करते कैथोड रोड पर, और ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करते एनोड रोड पर। गला हुआ एल्युमिनियम का जो जमा है बर्तन के नीचे वाले भाग में, वहाँ से हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। एल्युमिनियम को बाहर निकालते हैं एल्युमिना से, एल्युमिना के मेथड से, उसको क्या बोलते हैं होल हीरोल्ट प्रोसेस।